मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं आज प्रजाति की उत्पत्ति का प्रवास प्रतिबल सिद्धांत, क्योंकि प्रजाति की उत्पत्ति और हम लोग जिसे मानव भूगोल का एक महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के मानव समुदायों का अस्तित्व यहाँ पर जो है वो किस प्रकार आया और वर्तमान स्थिति तक कैसे पहुँचा, इस संदर्भ में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है प्रजाति की उत्पत्ति का प्रवास कटिबंध सिद्धांत। अरे विद्यार्थियों, ये प्रवास कटिबंध सिद्धांत भूगोलवेता ग्रिफ टेलर द्वारा 1922 में दिया गया था, 1922 में। अब उनकी किताब थी जो इवोल्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइसेस, इस किताब का दिया। इसका पूर्ण विवरण जो टेलर मोदी की दूसरी किताब है एनवायरमेंट रेस एंड माइग्रेशन, जो 1949 में उनकी किताब लिखी गई थी, उस किताब में इसका मुकम्मल तरीके से ये वर्णन शामिल है। तो इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत का मानना यह है कि जो मानव प्रजातियां हैं जो आज विश्व के विभिन्न भागों में मौजूद है, चाहे किसी प्रकार की प्रजातियां हो, उनका एक निश्चित क्रम रहा है उद्भव से लेकर के उनके आज विकास तक की कहानी का। तो वो निश्चित क्रम क्या रहा है, उनको सिस्टमेटिकली प्रूव करने के लिए डेलर मोदी ने दो तत्वों का सहारा लिया, एक जलवायु चक्र और एक विकासवाद। ये जलवायु चक्र और विकासवाद दो महत्वपूर्ण आस्पेक्ट है डेलर मोदी के सिद्धांत का। तो जलवायु चक्र क्या कहता है, ये अभी हम आगे सिद्धांत बात करेंगे, और विकासवाद क्या कहता है, इन दोनों ही तत्वों को हम लोग जानते हुए ये आगे सीखने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार हमारे भूगोल में, मानव भूगोल में ये जो मानव प्रजातियां जो अस्तित्व में है अभी, उनका वर्तमान स्थिति तक पहुंचने का आधार क्या रहा, किन कारणों और किन साक्ष्य के आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं। तो वो दो चीजें हैं उसमें जलवायु चक्र और विकासवाद का सिद्धांत दो तत्व है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमने ये सीखने की कोशिश की पिछले कक्षाओं के माध्यम से कि प्रजाति क्या होती है, प्रजातियों का जिस प्रकार से उद्भव हुआ, विकास किस प्रकार हुआ और आज वर्तमान स्थिति कैसे पहुंची, और वो उनके प्रकार क्या क्या हैं, किन किन विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न मानव प्रजाति समुदायों को किस किस प्रकार से विभक्त करने की कोशिश की है, क्या क्या उनके आधार रहे हैं, उनके आधार पर हमने पढ़ने की कोशिश की। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रजाति उत्पत्ति का जो प्रवास कटिबंध सिद्धांत है वो किस प्रकार मानव प्रजातियों के उद्भव से लेकर उनके विकास और प्रसार का विश्व के विभिन्न भागों में उनकी मौजूदगी के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो विश्व कहते हैं क्या मानते हैं कि संपूर्ण मानव प्रजातियां हैं जो निकट का वर्तमान समय में जो है उनका जो आधार, जहाँ एक तरह से आश्चर्य जो मानव है उस समय का, यानी कि कपिल मानव है वो उस के बाद में, तो वर्तमान मानव समुदाय से मिलता जुलता जो मानव है जिसे कह सकते हैं प्राइमेट कह सकते हैं, जो हमारे प्राइमेट से वो वहां से लेकर के अब आज तक कहानी की मानव समुदाय की कहानी का एक तरह से दस्तावेज है। तो ये वो कह रहे हैं कि सभी प्रजातियों की उद्भव स्थिति ये सेंट्रल एशिया है, विभिन्न कालखंडों में सेंट्रल एशिया की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का उद्गम स्थली रही है, यही से उद्भव होकर के विभिन्न प्रजातियां विश्व के अलग अलग कोनों में फैल रही हैं, उनका क्रम क्या रहा उसको और किस क्रम के साथ में और किन कारणों के कारण विभिन्न प्रजातियां अलग अलग भागों में मौजूद है। तो दो चीजें हैं इसमें, जलवायु और दूसरा विकासवाद। तो जलवायु का एक चक्कर है, जलवायु चक्कर है, इसके कारण उन्होंने ये माना कि मध्य एशिया में जो प्रजातियां उद्भव हुई वहां पर क्या है कि हिमयुग जो कह सकते हैं कि आइस एज जो युग में है आते हैं उनका, और विशेषकर प्लीस्टोसीन काल में जो हिमयुग आए हैं उनका, और अंतर हिमयुग जो आते हैं बीच का दौर आता है, हिमयुग और बीच के अंतर हिमयुग का दौर आता है, उस दौर का काफी प्रभाव इस प्रजातियों के प्रवास प्रतिबंध सिद्धांत में जिक्र किया गया है। तो उसका मतलब ये कि मध्य एशिया में जो निवासक उस समय जो मानव समुदाय था वो क्या है कि हिमयुग के कारण अपने दक्षिण पूर्वी अक्षांशों की ओर गमन कर रहे थे, क्योंकि
फिर जब एक वाम ले जाता था हिंदू के बाद में एक गर्म युग आता था, अंतर हिंदू जिसको बोलते हैं, बीच हिंदू को बीच का एक गर्म दो होता है, उसमें क्या होता था कि वो ही प्रजातियाँ जो मानव समुदाय जहाँ से उठ कर के चल कर के आया था उनमें से अधिकांश वापस चल जाते हैं, कुछ वही रह जाते हैं। जो लोग वही रह जाते हैं वो जलवायु से प्रभावित करके जलवायु के चक्र से प्रभावित होकर के और वहाँ की गर्म जलवायु के कारण उसमें विभिन्न प्रकार की विकृतियाँ विभिन्न प्रकार के जलवायुगत प्रभाव आत्मसात कर लेते हैं और अलग तरह की प्रजाति विकसित हो जाती है। इस सिद्धांत में टेलर मोदी क्या मानते हैं, सिद्धांत टेलर मोदी ये मानते हैं कि जो मानव समुदाय सबसे पहले उद्भव हुआ, जिनका जन्म सबसे पहले हुआ, जिनका वो क्या है कि महाद्वीपों के सबसे सुदूर भागों में स्थित है। कहाँ स्थित है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग रहते हैं, एक मिनट क्या बताता हूँ, दस लाख। हाँ तो विद्यार्थी अब देखिए यहाँ है सेंट्रल एशिया, यहाँ है सेंट्रल एशिया, यहाँ कैस्पियन सागर है, यहाँ अरब सागर है, कैस्पियन सागर है, यहाँ काला सागर है। तो इस तरह से जिस तरह की स्थिति है और सेंट्रल एशिया इस मार्ग को सेंट्रल एशिया कहते हैं। यहाँ पर कोई प्रजाति उद्भूत होकर के फिर क्या है, ये जब आय के जाता है हिमयुग का प्रभाव होता है, हिमयुग जैसे कह सकते हैं हिमयुग, हिमयुग से प्रभावित होकर के ये क्या करते हैं, ये प्रजातियाँ यहाँ से नीचे की तरफ गमन करती है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर की सीट जितनी ज़्यादा हो जाती है उसके कारण नीचे की ओर गमन करती है। तो इसके कारण ये प्रजातियाँ महाद्वीपों के आज है जो सुदूर भाग है, यहाँ पर यहाँ ये वाले भाग, यहाँ के भाग, ये सॉरी यहाँ के इधर इधर पापा नुमिनी और वो हैं जो बोर्ड में दीप हैं उधर की तरफ है, यहाँ इन जैसी भागों में ये विद्यमान है। तो इनसे क्या होता है कि पहले सबसे पहले जो प्रजाति उद्भूत हुई उसका नाम है नेग्री टोप लोग हैं, जो एक तरह से हिंदुस्तान के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ जनजातियाँ वहाँ पर निवास करते हैं, वो नेग्री टोप समुदाय से ही बिलोंग करती है। और उसके बाद जो निग्रो समुदाय आया तो वो यहाँ से गमन करके अन्य सुदूर भागों में गमन कर गया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आए, फिर वो भी अन्य भागों में गमन करके धीरे 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 ये सब लोग जो प्रजातियाँ यहाँ से उद्भव हुई, इसके बाद जो एक हिमयुग आया वो नीचे की तरफ या अन्य भागों की तरफ पलायन करके फिर गर्म ले गया, फिर एक उल्टी धारा वापस आती है और फिर बड़ी संख्या में जब हिमयुग वापस आता है तो फिर बड़ी संख्या में लोग वापस विभिन्न भागों में जाकर होते हैं। इस प्रकार क्या है कि विश्वभर में प्रजातियों का फैलाव हुआ है, एक स्थान से निकल करके विभिन्न प्रजातियाँ विभिन्न दिशाओं में गमन करती हैं, इस तरह से गमन करती है। और ये जब आई से हिंदू का प्रभाव क्या हुआ कि हिंदू के कारण जो साइबेरिया और अलास्का का जो हिस्सा है वो बर्फ के कारण सब महासागर जम जाते थे और उनके कारण आइडिया के लिए पता कि इस तरह भाग रहे समासागर के बारे में, क्योंकि बर्फीला इलाका रहता था और बर्फीला इलाकों से होकर ये लोग गमन करते थे और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो रेड इंडियंस हैं वो माना जाता है ये मंगलराइट नस्ल के लोग हैं और वो यही हिंदुओं के इस अंतर हिंदू काल के दौरान वो यहाँ से प्रस्थान करके और वो उत्तरी अमेरिका होते हुए दक्षिण अमेरिका के एंडीज तक के इलाकों में पहुँच गए। तो इस प्रकार ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो प्रजाति उससे पहले उद्भव हुई उनका उद्गम हुआ वो सबसे सुदूर भागों में है और जो सबसे बाद में भी वो केंद्र स्तर पर मौजूद है, इसके आसपास के इलाकों में ही मौजूद है। यानी कि जो जिसमें सबको सबसे देख पा जाता है वो है मंगोलॉयड नस्ल और मंगोलॉयड नस्ल की मौजूदगी इसी भाग में है, इस भाग में मंगोलॉयड नस्ल की चीन फ्रांस सॉरी चीन जापान दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया तिब्बत है ना अपने हिंदुस्तान का लद्दाख का हिस्सा वो और ये भाग है, इन भागों में ये इनकी मौजूदगी है। इसका मतलब है कि इसी इलाके में या जो कह सकते हैं खेडीज और कजाक लोग हैं वहाँ तक उनकी ये जो प्रजातियाँ हैं वो भी इसी मंगोलॉयड नस्ल की प्रतिनिधि हैं। तो इसके कारण क्या है ये भाग और दूसरा क्या कि ये प्रजातियाँ न केवल हिंदुओं का फैलाव रहा है, विकास बात के बारे में क्या है कि ये जिस वातावरण रहे वहाँ की जलवायु को आत्मसात करते हुए अपने विशादी गठनों में विभिन्न प्रकार के गुणों को आत्मसात कर लेते हैं, जिसके कारण इनकी विभिन्न प्रकार की आकृति विभिन्न प्रकार की बनाव विभिन्न प्रकार की जलवायु को झेलने में सक्षम वातावरण अनुकूलन को स्थापित करने में सहायता करती है। तो
आश्रय ग्रुप भी जो भारत में नर्म लोग हैं वहाँ उसकी जनजातीय अंतर क्षमता से विलोम करती है। इस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ ऐसे जनका में लोग हैं, तो इस तरह की जनजातियाँ हैं जो उद्भव होकर के विभव पहुँची। उसके बाद में जैसे कहते हैं मेडिटेरियन लोग हैं, मध्य सागर उसके आसपास के भागों में निवास करते हैं। इनको इनका विकास हुआ तो उत्तरी भारत उत्तरी पश्चिम उत्तर भारत में निवास करते हैं। उसके बाद में अल्पाइन लोग आते हैं, नॉर्डिक लोग आते हैं और फिर अल्पाइन और फिर मंगोलियन। इस प्रकार सात प्रजातियाँ रहती है, उनका एक के बाद एक क्रम एक के बाद एक क्रम आता है। वो सातों प्रजातियाँ जो पिछले भाग में हमने पढ़ा था, सिद्धांत में हम दो चीज़ें और देखते हैं। क्योंकि एक तो इसमें जो फैलने की प्रवृत्ति है विभिन्न प्रजातियों के, वो फैलने की प्रवृत्ति है कि केंद्र अपराधी है, सेंट्रीफ्यूगल है। सेंट्रीफ्यूगल केंद्र से बाहर की ओर फैलाव उनका बार बार हुआ है। तो ये प्रजातियों का ये इस तरह का जो वर्णन है इसमें देखने को मिला है, वो एक किस तरह की प्रवृत्ति सेंट्रीफ्यूगल प्रवृत्ति केंद्र से बाहर और केंद्र अपराधी है, केंद्र से बाहर की तरफ फैलते हैं जो यहाँ देखने को मिल रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ से केंद्र से बाहर की ओर नहीं चलती। इसके अलावा एक चीज और है कि यहाँ पर इसका प्रसार है वो सतह के नीचे भी है, पर दावत के रूप में अगर देखा जाए तो साक्ष्य मिलते हैं गंगा के और उनके साक्ष्य, तो एक के बाद एक विभिन्न प्रजाति के साक्ष्य यहाँ पर मध्य एशिया में मिलते हैं। तो इस बात की तस्दीक करता है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ अतीत में रहती आई हैं और आज भी रहेंगे। तो उनके अलग अलग प्रकार के नरकंकाल अति शिल्प उपकरण वगैरह इस तरह के मिलते हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं। चलो हम इस सिद्धांत के माध्यम से ही जान पा रहे हैं कि प्रजाति उत्पत्ति का जो प्रभाव सिद्धांत है काफी अहम रोल प्ले करता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जो प्रजाति उत्पत्ति सिद्धांत के बाद है, वो रहेगा कि विश्व में विभिन्न प्रकार की आदिम जातियाँ हैं, आदिम समुदाय हैं, वो कहाँ कहाँ निवासरत हैं, उनका क्या क्या योगदान रहता है, वो सब चीज़ें भी हम लोग इसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो समुदाय हैं यहाँ सेंट्रल एशिया से, उनका कर्म क्या रहा वो हम देख सकते हैं। पहला कर्म है यहाँ पर निवेटों का, दूसरा है नीटों का, तीसरा ऑस्ट्रेलियाई है, चौथा मेडिटेरियन है, पांचवा नॉर्डिक का है, छठा अल्पाइन और सातवां मंगोलियन है। जो मंगोलियन नस्ल है वो सेंट्रल एशिया में आज भी रहती है, यानी कि जिस जनजातियाँ हम पढ़ेंगे खिर्गीज गर्जार है ना उज़्बेक, ये जनजातियाँ हैं एक तरह से कि ये मंगोलियन नस्ल का ही प्रतिनिधित्व करने वाली जातियाँ हैं और आज भी इनकी अच्छी खासी मौजूदगी सेंट्रल एशिया में है। और सेंट्रल एशिया से सटे सिंग और मंगोलिया जैसे इलाकों में मंगोलियन नस्ल के लोग बहुत बड़ी तादाद में निवासर आज भी है। तो इस बार जो पहला यहाँ पर नेगेटिव लोग तो विश्व के विभिन्न सुदूर भागों में निवास करता है, उसके बाद है नीग्रो जो वो भी विभिन्न सुदूर भागों में ही निवास करते हैं, उसके बाद है ऑस्ट्रेलियाई वो उनसे ज़्यादा कम दूर भागों में है, और मेडिटेरियन जो मेडिटेरियन सी के आसपास नौ निवास करते हैं, उसके अलावा है पश्चिम उत्तर भारत है, अफगानिस्तान पाकिस्तान सी इलाके में है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई है, ऑस्ट्रेलियाई नॉर्डिक प्रदेश है उसमें, और यूरोप का उत्तरी पश्चिम उत्तर भाग है, ये पश्चिम उत्तर भाग यूरोप का इस भाग में स्कैंडिनेविया और पश्चिम उत्तर भाग में ये केंद्रित हैं। इसके अलावा अल्पाइन का जो अल्पाइन है ये पूरी यूरोप वाले हिस्से में और बाल्कन देश हैं, इसके अलावा फ्रांस है, इटली है, इसके उत्तरी भाग है रोमानिया बुल्गारिया है, इन हिस्सों में इस तरह के अल्पाइन लोग नस्ल के लोग होते हैं। और उसके बाद मंगोलियन नस्ल है जो हमने बताया कि सेंट्रल एशिया और मंगोलिया जैसे भागों में निवासरत है। अब हम इस सिद्धांत को जानने के बाद हमें पता चल गया कि किस प्रकार विश्व की विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ अलग अलग भागों में फैल गई, और ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे टेलर ने देखा, जो उन्होंने अपनी पुस्तक एनवायरमेंट रेस एंड माइग्रेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण एक चीज के साथ एक दस्तावेज के रूप में सम्मिलित किया।